हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे वीडियो बना दिए, तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा है। सबसे पहली बात मैं बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लैब प्रिपरेशन है सभी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस में जितने भी रिएक्शन है एनोड और कैथोड में वो भी इंपॉर्टेंट है, और नेम्ड रिएक्शन अगर कोई है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई मिस हो गया हो तो प्लीज आप कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन मैंने दिया है, कॉपर इज वॉर्म्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। चलिए, तो कॉपर रिएक्ट्स विद H2SO4 गिव्स यू कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। इसको बैलेंस कर दो, बिकॉज बैलेंस रिएक्शन नहीं दोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड लेड मोनोऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से भी रिएक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे कलर चेंज भी होता है। देखिए, अमोनिया रिएक्ट्स विथ PbO विच इज येलो, ओके, और क्या देगा, पीबी देगा जो कि ग्रेश मेटलिक लेड हो गया आपका, प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं भैया, तो यहां पे ट्वाइस अमोनिया थ्राइस पीबीओ गिव्स यू 3 PbO प्लस 3 H2O प्लस N2। दिस इज डन, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये दे सकता है आपको। अच्छा, इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं, नंबर कट जाता है। NaCl विच इज रॉक सॉल्ट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेम्परेचर रिमेंबर इज लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स यू NaHSO4 प्लस HCl, है कि नहीं। तो ये आपका लैब प्रिपरेशन, जितने भी लैब प्रिपरेशन है सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और लैब प्रिपरेशन है, इस तरह दिया, देखो C2H5 रिएक्शन दे दिया है, वहां पे एक एलिमेंट जो कंपाउंड बन रहा है उसकी जगह ABCD दे दिया है। C2H5COONA विच इज सोडियम प्रोपेनेट प्लस NOHCO प्लस हीट गिव्स यू A+Na2CO3। तो ये लैब प्रिपरेशन है। तो A क्या होगा, इथेन होगा C2H6, डन, वेरी इजी। नेक्स्ट यहां पर वैसे ही दिया, देखो CH3Br प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये देगा आपको B+C। तो यहां पे क्या होगा, B हो जाएगा आपका मीथेन, प्रिपरेशन में था, आप याद करो CH4। नीचे C2H4 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स यू C। अगेन ये एडिशन रिएक्शन है, बिकॉज एल्कीन एंड एल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो C क्या होगा, सिंपली यार H2C एडिशन रिएक्शन, एक ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका है 1,2-dibromoethane। चलो, रिएक्शन ऑफ बॉक्साइट विथ NaOH, बेस प्रोसेस, पूरा ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे सिर्फ पहला पार्ट का बोला है तो पहला पार्ट का ही करेंगे हम लोग। Al2O3.2H2O टू NaOH गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू सोडियम एल्यूमिनेट विच इज Al लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज ट्वाइस NaAlO2 प्लस 3H2O, ये आपका रिएक्शन होगा। हालांकि इसकी जितने सारी रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कैल्शियम बाइसल्फेट। तो कैल्शियम बाइसल्फेट क्या होता है, CaHSO3O2। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है CaHSO4 लिखते हुए, पता नहीं क्यों, सल्फेट देखते हैं तो SO4 उनको समझ में आता है। रिएक्ट्स विथ
2HNO3 dilute, you know, gives you, प्रोडक्ट में नीचे लिख रहा हूँ, कैल्शियम CaNO3 whole 2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ डाइल्यूट HNO3 एसिडिक वो दिखाया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, कैल्शियम बाइसल्फेट को लोग CaHSO4 समझते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे टिपिकल एसिड की तरह बिहेव किया हो। ठीक है, अच्छा एक्शन ऑफ क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा भाई। तो कार्बन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सल्फर, 2SO2 होता है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, बैलेंस रिएक्शन दिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अलग अलग बहुत सारी रिएक्शन जहां पे उसका अलग अलग रोल दिखाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, C2H4Br2 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो ये आपको प्रिपरेशन है, आपको याद रहना चाहिए प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइन होगा C2H2 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, यहां पे भी 2 आएगा भाई। दिस इज नोन एज डीहाइड्रो, मैं लिख दे रहा हूं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आपने C2H2 प्रिपेयर किया है, इथाइन प्रिपेयर किया, एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, C2H5Cl प्लस Cl2, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ईथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके जगह में एक क्लोरीन आ जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन है। तो ये आएगा C2H4Cl2 प्लस HCl, ये है आपका डाइक्लोरो ईथेन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, आई बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, C2H5OH प्लस CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईस्टर बनता है हमारा CH3COOC2H5, इथाइल इथेनोएट लिख देता हूं मैं, इथाइल इथेनोएट बनता है, IUPAC नेम है इसका, ईस्टर ये इथाइल एसीटेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, प्लस वाटर बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 14, अगेन ये तो लैब प्रिपरेशन है, देखो CH3COONA प्लस NaOH, यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, CaO और हीट, क्या बनेगा, मीथेन प्लस Na2CO3, लैब प्रिपरेशन जितने हैं सब के सब आपको करने हैं। चलिए नंबर 15 देखते हैं, अगेन रिएक्शन दे दिया है, एक कंपाउंड को लोग मिसिंग कर दिया है, C2H5Cl प्लस ट्वाइस ऑफ KOH, लैब प्रिपरेशन था भाई C2H4 का, तो A क्या होगा, C2H4 ही तो होगा, लैब प्रिपरेशन है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्लियर है? चलो अच्छे, यहां पे मैंने बायस प्रोसेस का पूरा रिएक्शन दिया, देखो L2O3 प्लस ट्वाइस 0.2H2O प्लस NOH गिव्स X प्लस 2H2O, तो X क्या होगा भाई, X होगा मेरा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, फिर X प्लस 2H2O गिव्स यू NOH प्लस Y, तो Y क्या होगा आपका, Y होगा AlOH whole 3, फिर Y ऑन हीटिंग गिव्स Z, अरे तो Z क्या होगा भाई, प्योर एल्यूमिना Al2O3, डन। ये प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, ये कुछ रिएक्शंस रिपीटेड थे तो मैंने नहीं किया है। अच्छा, ईथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट्स अ एडिशन रिएक्शन, सिंपल है भाई, तो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, अगेन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, यानी कि ये होगा
CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, ये हो जाएगा H2CCH2, एक Cl इधर एक Cl इधर, 1,2-dichloroethane. Am I clear? Addition reaction, ethene और ethane जो है वो addition reaction undergo करता है, while ethane जो है वो substitution reaction undergo करता है. चलिए number 20, reaction of dilute HCl with sodium bicarbonate. तो चलो sodium bicarbonate formula आपको याद होना चाहिए, NaHCO3 plus HCl, bicarbonate है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है, बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ हीटेड येलो मेटल ऑक्साइड बाय अ बेसिक गैस, ये खुद से करना, कराया है मैंने कुछ रिएक्शंस पहले, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये खुद से आप ट्राई करना, किया हम लोगों ने, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर किया है, ठीक है. अमोनिया बेसिक गैस, अमोनिया याद रखो. 23, इथाइन रिएक्ट्स विद आयोडाइन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये तो बड़ा ही यार एडिशन रिएक्शन, C2H2 प्लस I2 गिव्स यू C2H2I2, खत्म, अल्कोहल एडिशन रिएक्शन होगा. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये किया हम लोगों ने प्रीवियसली, चलो कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूं, CHHH ब्रोमो इथेन बना ले रहे हैं पहले, दिस इज योर ब्रोमो इथेन, इट BRA नीचे, ठीक है, ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद KOH, अल्कोहलिक KOH गिव्स यू वॉट HC=CHH इथीन प्लस KBr प्लस वाटर. तो ये लैब प्रिपरेशन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला है जितने भी लैब प्रिपरेशन है आपको अच्छे से करने पड़ेंगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड गिव द रिएक्शन एट द एनोड. तो अच्छे मैं पहले रिएक्शन लेता हूँ, CuSO4 ये टूट के आपको Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस देता है, एनोड में क्या होगा, एनोड में SO4 थोड़ी जाएगा भाई, एनोड में OH जाएगा, एनोड में OH जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है, और 4OH विल गिव यू ट्वाइस H2O प्लस O2, ये एनोड का रिएक्शन था, OH भी रहता है आपको याद होगा, ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट का सिर्फ यहाँ पे डिसोसिएशन दिखाया है, रिएक्शन एट कैथोड रिएक्शन एट एनोड सभी इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट, अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हमें पता है प्लैटिनम होगा, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या देता है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, सब प्लस हीट ये होगा. ओके चलिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड एंड डाइल्यूट H2SO4, तो ZnS प्लस H2SO4, ये तो बड़ा ही इजी सा रिएक्शन है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनता है यहाँ पे, ठीक है. चलो नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक PPT बनता है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl गिव्स यू AgCl विच इज वाइट PPT, वाइट PPT ऑफ AgCl प्लस HNO3 प्लस HNO3, am I clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं,
C2H4 प्लस H2, अरे एडिशन रिएक्शन है भाई, C2H6 हो जाएगा, खत्म, वेरी इजी। प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, तो क्या बनाएगा भाई, H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनाएगा, ठीक है, C2H4 बनाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस, तो दो रिएक्शन था, एक एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक एक्सेस ऑफ क्लोरीन, दोनों ही लिख दे रहा हूं मैं, चलो एक्सेस ऑफ अमोनिया पहले लिखता हूं मैं, जब अमोनिया एक्सेस में होगा, रिएक्शन याद रखना, बैलेंस रिएक्शन याद रखना, 8-3 गिव्स यू डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl+N2, ठीक है, और लेकिन अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में है, आपका क्लोरीन एक्सेस में होगा जो कि यहां पे मांगा है, तो आपको थ्राइस HCl प्लस येलो कलर, सेकेंड, या एक येलो कलर का लिक्विड मिलेगा, एक्सप्लोसिव NCl3, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड, क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन सल्फर, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल हो जाएगा यहां पे, S+HNO3 गिव्स यू H2SO4 प्लस वॉटर प्लस NO2, हमारे क्लियर, इसको बैलेंस कर लो भाई, तो यहाँ पे 6 होगा, याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ कुछ रिएक्शंस बैलेंस याद रखो तो बेटर है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, हमारे क्लियर, चलो लास्ट वाला, ये NO2 है, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, NO2, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। Give reaction involved during Ostwald process, जितने भी प्रोसेस है उसमें, जितने भी reactions है, conditions सब याद रखना। तो catalytic chamber में क्या था भाई, अमोनिया 5O2 in presence of platinum 700-800 degree centigrade क्या देगा, nitric oxide plus water, this is catalytic chamber। उसके बाद oxidation chamber में क्या करते हैं, nitric oxide जो obtained हुआ है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन टावर आ जाता है, चैम्बर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स यू 4HNO3। कैटलिटिक चैम्बर, ऑक्सीडेशन चैम्बर और ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर, अलग अलग चैम्बर का रिएक्शन भी पूछ सकता है, क्लियर है, चलिए तो हो गया 33। नेक्स्ट देखते हैं, गिव रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वहां पर भी बहुत सारे रिएक्शंस थे, पहला था कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग पहला स्टेप में कि FeS2 प्लस O2 गिव्स यू, मकसद है SO2 निकालना, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, मतलब SO2 प्लस O2 V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होगा 1:2 एटमोसफियर, गिव्स यू 2SO3 प्लस हीट। और स्टेप 3 जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेप 3 जो है SO3 रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम,
विच इज एच टू एस टू ओ सेवन, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। और ये एच टू एस टू ओ सेवन प्लस वाटर विल गिव यू टू एच टू एस ओ फोर। डन हो गया। जितने भी मैंने क्या बोला, जितने भी रिएक्शंस है उन, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, जितने भी प्रिपरेशन है, अच्छे से करना उनको, पूरा आप अच्छे से करके जाना। अच्छा 35 इज इजी। AlN प्लस वाटर, AlN प्लस वाटर विल गिव यू, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, AlOH होल 3 प्लस अमोनिया, प्रिपरेशन में था, ठीक है। डन, 3 बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऐसा रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो कैथोड बोला है ना, तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में आपका H प्लस जाके एक इलेक्ट्रॉन लेके H बन जाता है एंड H प्लस H गिव्स यू H2। एनोड का रिएक्शन भी इसका याद रखिएगा, 4OH माइनस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन gives you ultimately 2H2O plus O2, clear है? तो cathode anode के reactions याद रखिएगा as well as dissociations, okay? चलो next, action of heat on a mixture of copper and concentrated nitric acid, किया हम लोगों ने पहले, चलो फिर कर लेते कोई बात नहीं। Cu plus 4HNO3 gives you CuNO3 whole twice plus वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। एक और है, कॉपर रिएक्ट्स विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अरे नाइट्रिक एसिड यहाँ पे डाइल्यूट बोला है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था, तो बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप डाइल्यूट से करोगे तो आपका रिएक्शन ये हो जाएगा, NO3 होल 2 प्लस 4H2O प्लस 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और जब कॉन्सेंट्रेटेड से करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कुछ 35 रिएक्शंस थे जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएक्शंस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कौन सा आएगा, बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक बनाया है वीडियो इस पर। और मैं फिर से बोलता रहा हूँ, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, जितने भी प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस में, जितने भी रिएक्शंस है कैथोड एनोड, सब के सब कर लेना। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।